रामू, इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तुमने कहीं चोरी तो नहीं की? नहीं मैम साहब, चोरी नहीं की मैंने। ये पैसे आपके लिए लेके आया हूँ मैं। मुझे बस आपका एक दिन चाहिए उसके बदले में। रामू, तुम ही मेरे से किस तरह बात कर रहे हो? तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ। तुमने क्या मेरे को ऐसी वैसी लड़की समझ रखा है? नहीं नहीं मैम साहब, ये पैसे मैं आपको गलत काम करने के लिए नहीं दे रहा हूँ। अच्छा, तो फिर किस लिए दे रहे हो इतने पैसे? मैडम, आप जिस तरह लोगों से काम करवाती हो ना, मैं उस तरह आपसे काम करवाना चाहता हूँ बस। अच्छा, तुम्हें पता भी है मेरा टाइम कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए? मेरी एक महीने की सैलरी 2.5 लाख रुपए है। मेरे पास कोई फालतू टाइम नहीं है तुम्हारा काम करने के लिए। मैडम, आप जो एक महीने का 2.5 लाख रुपए कमाती हो ना, मैं आपको एक दिन का 5 लाख रुपए दूंगा। ये कोई कीमत कम नहीं है। तो ठीक है, बताओ क्या काम करना है। चलो बताता हूँ क्या काम करना है। एक मिनट। यहाँ क्यों लाए हो? और यहाँ बाहर सड़क पे क्या काम करना होगा? वो देख रही हो बाल्टी और पोछा? कार साफ करो फटाफट। ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं कार साफ करूंगी। हाँ, यही कार साफ करना है तुम्हें। शायद तुम भूल गई हो, 5 लाख रुपए दिए हैं तुम्हें काम करने के लिए। तुम्हें काम नहीं करना तो मेरे 5 लाख रुपए वापस कर दो। एक दिन की तो बात है, 5 लाख रुपए मिलेंगे। क्या हुआ, नहीं करना साफ? लाओ मेरे 5 लाख रुपए। अरे नहीं नहीं मैं करती हूँ ना कार साफ। अरे मैडम ये कर रही हो, सही साथ चलाओ ना। अरे मैडम ये कर रही हो, काम करने नहीं आता क्या? किस बात की 2.5 लाख सैलरी लेती हो तुम? हाँ तो तुम पे चल नहीं रहे। अरे मैडम जल्दी साफ करो इसे, 5 लाख रुपए दिए हैं तुम्हें, अभी 5 कार और हैं साफ करने के लिए। अरे कैसे साफ कर रही हो इसे, मिट्टी तो हटी नहीं रही। रिफंड के पैसे नहीं दिए तुम्हें, साफ करो इसे ढंग से। अरे इतने धीमे धीमे हाथ चलाओगे तो कैसे होगा, जल्दी करो वरना 5 लाख रुपए ले लूंगा वापस। नहीं नहीं मैं करती हूँ जल्दी। अरे ये क्या कर रही हो, ढंग से काम करने नहीं आता क्या? कितने बार समझाया तुम्हें, ढंग से साफ करो इसे। बस अब मुझ में और हिम्मत नहीं है इस तरह काम करने की। अरे सर आप यहाँ? क्या हुआ, अब काम क्यों नहीं हो पा रहा है? ये काम बहुत मुश्किल है इसलिए नहीं हो पा रहा है, या ये तुम्हें डांट रहा है और अच्छे से बात नहीं कर रहा इसलिए नहीं हो पा रहा है? मुझे काफ़ी टाइम से कंप्लेंट्स आ रही थी ऑफिस से कि तुम इम्प्लॉयज़ के साथ कितना गंदे तरीके से बिहेव करती हो। तुम उन्हें डांटती हो और बदतमीजी करती हो और बिना फालतू के उनके ऊपर प्रेशर बना कर रखती हो। एक मैनेजर का काम होता है कंपनी को अच्छे से मैनेज करके और इम्प्लॉयज़ से अच्छे से काम करवाए, पर तुम उन पर दादागिरी चलाती हो, जैसे पैसा देकर तुमने उन्हें पूरा का पूरा खरीद लिया हो। कोई रिस्पेक्ट नहीं करती तुम उनकी, जो लोग हमारे लिए दिन भर काम करते रहते हैं। अब पता चला ना तुम्हें जब तुम्हारे साथ ऐसा ट्रीट हो रहा है? और ये मेरा ही प्लान था तुम्हें सबक सिखाने के लिए, जिससे कि तुम आगे कभी किसी के साथ ऐसा करने की सोचो भी ना। खैर तुम्हारे जैसे मैनेजर की अब हमारी कंपनी को कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकती हो, यू आर फायर्ड। लेकिन सर। चुप करो और वो 5 लाख रुपये वापस कर देना, मेरे पैसे थे वो, जा सकते हो यहाँ से तुम। Get lost.